तो हेलो एवरीवन, देखो कैसे आप घर बैठे जीत सकते हैं करोड़ों के इनाम, और कैसे जीत सकते हैं आप हॉट सीट पे जाने का मौका, कैसे पा सकते हैं ये सब कुछ, मतलब कैसे किस तरह से क्या क्या आप जीत सकते हैं, केबीसी प्ले लॉन्ग घर बैठे कैसे खेलना है, इस बारे में मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सारी बातें बाद में करूँगा, पहले अब आपको डायरेक्ट वीडियो पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत लोगों को देरी हो रही हो, जल्दी जल्दी देखना चाह रहे हो कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलो मैं लेकर चलता हूँ डायरेक्ट स्क्रीन पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाद में सब्सक्राइब करना, बाद में ही लाइक करना। चलो जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना प्ले स्टोर खोलना और यहाँ पे सर्च करना है सोनी लिव ऐप। सोनी लिव जो ऐप है, देखो ये वाला सामने वाला, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं अपडेट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं ओपन करता हूँ डायरेक्ट। देखो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद में जैसे ही आप खोलोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ये सारा का सारा केबीसी का जो सिस्टम है लगा दिया है। यहाँ पे जब आप खोलोगे ना इसको, तो यहाँ पे आपको ढूंढने से भी कहीं कहीं आपको रजिस्ट्रेशन वाला नहीं मिलेगा। जो ऑप्शन है ना रजिस्ट्रेशन वाला, कि यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लो, ये आपको नहीं मिलेगा। ये आपको ढूंढना कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो जल्दी देखते रहिए वीडियो को। तो आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे सामने नहीं मिलता है तो आपको वीडियो को नीचे से ऊपर की तरफ में मतलब स्क्रॉल करना है, और जैसे ही आप स्क्रॉल करते चले जाओगे तो थोड़ा बहुत नीचे जाके आपको कहीं ना कहीं पे जो अमिताभ सर का जो फोटो बना हुआ है वो आ जाएगा, और वहाँ पे लिखा होगा रजिस्टर नाउ। तो जैसे कि आपके सामने देखो ये आ चुका है, स्टैंड ए चांस टू बी हॉट सीट, तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है रजिस्टर यहाँ से। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वरना आप कहीं और से भी सर्च करके, नीचे सर्च का बटन दिया हुआ है वहाँ से सर्च करके भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपने फ़ोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी आपका पर्सनल फ़ोन नंबर हो जो 24 घंटे खुला रहता हो, तो वो नंबर अगर आप किसी फ़ोन में पड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली यहीं पर आ जाएगा, वरना आप डाल के कर लेना। मैं यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ, और कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये आपके नंबर पे ओटीपी भेजेगा। ओटीपी को यहाँ पे आप डाल देना, अगर आप ऑटोमेटिक डल जाता है तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपसे आपके गूगल की या आपके फेसबुक की आईडी का परमिशन लेगा, अगर ये लेता है तो आप यहाँ पे अपनी कोई सी भी आईडी लगा दीजिए, क्योंकि वो आपके पास मेल भी तो करते रहेंगे ना। अगर आप कुछ जीतोगे तो या तो आपको वो कॉल करेंगे, और कॉल नहीं कर पाए तो फिर आपको वो मेल से कॉन्टैक्ट करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको, आपको दो जरिए तो चाहिए कॉन्टैक्ट करने के। तो आप इस तरह से यहाँ पे इसको अपनी मेल आईडी को यहाँ पे अलाउ कर देना, नीचे पे अलाउ दिया हुआ है, तो मैंने इसलिए हाइड करा हुआ था सब कुछ, क्योंकि मेरी भी प्राइवेसी है, मैं अपना फोन नंबर और अपनी जीमेल की आईडी आपको नहीं दिखा सकता हूँ, मैंने इसलिए सब कुछ प्राइवेट कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पे 5 जनों के नाम से आप यहाँ पे आईडी बना सकते हैं अपनी खुद की, अपने पापा मम्मी अपने खुद। तो अगर आप खुद खेलना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, तो मैं यहाँ पे भी कुछ भी नाम लिख देता, मतलब कुछ भी जो मुझे लिखना है वो मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने इस फोन से खेलूंगा जिससे वीडियो बना रहा हूँ। जो आप सामने फोन देख रहे हो वो तो मैंने वैसे लिया है फैमिली मेंबर का ही, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे देखो डायमंड लिख देता हूँ अपना नाम, और ये जो लिखा हुआ है एनेबल पेरेंटल कंट्रोल, इसको आप कर भी सकते हैं, बच्चों से सुरक्षित रखने के लिए होता है, वरना नो ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप जैसे ही नीचे प्रोसीड करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद में ये मेन पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जितने भी ऑप्शन आए हैं कि अपना राज्य भरिए, अपने यहाँ पे जो भी आपका शहर भरिए, ये सब कुछ भर दीजिए। सब कुछ वही भरना है जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपका, जो डॉक्यूमेंट आप परमानेंट रखना चाहते हो अपना, क्योंकि अगर आपको इनाम जीतोगे तो केबीसी वाले आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि आप या तो अपना पहचान पत्र या जो आपका आधार कार्ड है वो, इन दो में से कोई सा एक का जो आपका डाटा है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है या शहर का नाम है जो उन पर लिखा हुआ है वही लिखना है। जिस जहाँ पर आप इस टाइम पर हो प्रेजेंट में, उस सिटी का नाम नहीं लिखना है, जो आपकी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई सिटी है उसका नाम लिखना है। अब आप रहने वाले हो कहीं उत्तर प्रदेश के हो, मतलब जन्म आपका उत्तर प्रदेश में हो, और आप रह रहे हो कहीं हिमाचल में जाके, तो हिमाचल मत भर देना, आप वही भरना जहाँ का आपके डॉक्यूमेंट में उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो चलो आगे देखो। तो देखो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर दिया, अगर आप कुछ और है तो और कर लेना, और जो जो इसमें मांगा है वो आप अपना सही तरीके से भर देना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है केबीसी प्ले अलोंग के लिए, ठीक है। तो जो शुरुआत में ओटीपी आया था वो तो आया था सोनी लिव एप्लीकेशन के लिए, ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ये हुआ है आपका केबीसी प्ले अलोंग के लिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, इन दोनों ऑप्शन के बारे में मैंने वीडियो बना दी है। अगर ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ प्रीमियम का मांगता है, तो उसके लिए तो आपको करना नहीं है, आपको फ्री में खेलना है। नीचे वाले पे क्लिक करना है और सामने ये सब कुछ दिखा हुआ है, देखो ये जो हाईलाइटेड वाली लाइन है जो नीचे की तरफ है इसके बैनर के नीचे की तरफ, इस पर आपको क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है प्ले अलोंग। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्ले अलोंग पे क्लिक करोगे, जो ऊपर वाला प्ले अलोंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपका यहाँ पे भाषा भी चेंज कर सकते हो, देखो ये हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हो। उसके ऊपर जो लिखा हुआ है प्ले अलोंग, यहाँ पे जैसे प्ले अलोंग पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे रात को 9 बजे से आपका प्ले अलोंग शुरू हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केबीसी प्ले अलोंग 23 अगस्त रात 9 बजे से। तो हर रोज रात 9 बजे आपको यहाँ पे खेलना होगा, आके आप यहीं से सारे के सारे प्राइज जीत सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी दिन भी मिस मत कर देना बिल्कुल भी, एक पॉइंट भी अगर आपको कम रह जाता है तो। देखो नीचे यहाँ पे ऑनलाइन क्विज भी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना। अगर आपका एक भी पॉइंट अगर आपका रह जाता है किसी भी दिन, तो यार आप कई हज़ार लोगों से पीछे हो जाते हो। तो ये जो क्विज आप डिस्प्ले पर देख रहे हो ये रोज डेली आएगा, इसके ऊपर मैं रोज वीडियो डालता हूँ इसके आंसरों की बना बना के, क्या इसके आंसर होते हैं राइट राइट। तो आज की भी डाली है मैंने, देख लेना चैनल खोल के।
तो इस क्विज का क्या फायदा है कि इस क्विज को खेलने के बाद में आपको 1000 पॉइंट मिलते हैं, एक क्वेश्चन के 100 पॉइंट मिलते हैं। इसको जरूर खेलना। अगर आप इसको छोड़ देते हो ना, तो अगर आप पूरी रात खेलना चाहे 9:30-10 बजे जब KBC आता है, पर इनको अगर 1000 पॉइंट को छोड़ दोगे तो यार आप समझो 1000 पॉइंट से 1000 लोगों से पीछे रह जाओगे, समझ रहे हो। तो जरूर खेलना है आपको। तो देखो यहाँ पे कभी कभी नहीं मिलता है, अब आपके सामने अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके बाद में आपके सामने ऊपर भी आ जाएगा, सामने पहले नहीं आता देखो यहाँ पे, पर अब क्या आ जाएगा, देखो ये सब कुछ आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना था। और चलो अभी नीचे भी आपको करके दिखा देता हूँ। देखो नीचे की तरफ ऐसे करके जैसे करोगे इसको स्वाइप, और या नीचे की तरफ को करोगे तो इस तरह से आपके सामने सब कुछ आते रहेंगे। अब वीडियो में मैं आपको बता दूं, देखो कुछ मैंने लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो के, उनको जरूर देख लेना जाके, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है कि KBC में कैसे ज्यादा पॉइंट बनाने हैं, कैसे क्विज के आंसर देने हैं, प्ले अलोंग गोल्ड और प्ले अलोंग रेगुलर में क्या अंतर है। तो देखो ऊपर टीवी शो पे जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद में यहाँ पे सारे के सारे शो खुल के आ जाते हैं। देखो यहाँ पे है रजिस्टर नाउ, ये रहा, तो आप यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हो। तो फिलहाल तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको नहीं मिलता है कहीं पे भी है, तो यहाँ से आपको रजिस्टर करना है, और जैसे ही आप खोलोगे तो उसके बाद में देखो ये आ गया प्ले अलोंग गोल्ड, प्ले अलोंग रेगुलर, तो रेगुलर वाले पे क्लिक करना है। और प्ले अलोंग गोल्ड जो लिखा हुआ ऊपर वाला, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैंने वीडियो डाल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से चेक कर लेना उसको। तो चलो देखते हैं और आगे आपको कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया कि आपको KBC प्ले अलोंग कैसे खेलना है, ये सारा का सारा मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और आपको अगर कोई सवाल है तो वो सवाल जल्दी से जल्दी कर दो कमेंट में, मैं उसके ऊपर कोई भी वीडियो बना के आपके सवाल के ऊपर और मैं अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द, 1-2 घंटे में या 4-5 घंटे के अंदर अंदर आपके सवाल के ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा। तो देखो अब मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको KBC के बारे में सभी वीडियो देखनी है आने वाली जो मैं डालने वाला हूँ, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, भले ही वीडियो 2-4 मिनट लंबी हो जाए पर राइट मिलेगी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देने। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और जो मैंने अभी जो आपने देखा ना KBC कैसे प्ले अलोंग कैसे खेलते हैं, इसमें बीच में था एक गोल्ड वाला और एक रेगुलर वाला, जो मैंने ये आप स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं यहीं कहीं पे अगल बगल में, तो ये जो गोल्ड वाला है और जो रेगुलर वाला है ना, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इन दोनों में क्या क्या अंतर है वो मैंने समझा दिया है पिछली वीडियो में, जाके उस वीडियो को जल्दी देख लो कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो जो भी था मैंने सब कुछ आपको भाई क्लियर कर दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको KBC की आने वाली सभी वीडियो देखनी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद नीचे लाल कलर के दबाव के बटन को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करें और आपका चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। तो चलो आपको सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहेंगी।